अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 7, और ड्रग भी यहीं से स्टार्ट है। इसकी फर्स्ट टॉपिक है लैक्सेटिव। लैक्सेटिव इसके अंतर्गत कब्ज नाशक औषधियाँ आती हैं। कभी कभी हमारे स्टमक में पेन या कब्ज होता है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो इसकी डिफिनीशन देखेंगे हम। द ड्रग दैट प्रमोट इवेक्यूलेशन ऑफ फेशियल मैटर बाई लूजनिंग वॉवल आर कॉल्ड लैक्सेटिव। वे ड्रग जो आंत को ढीला करके, लूजिंग वॉवल ढीला करके, मल को या वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में मदद करती हैं, उन्हें लैक्सेटिव आर कॉल्ड लैक्सेटिव लैक्सेटिव कहलाती हैं। द लैक्सेटिव आर क्लासिफाइड इंटू 4 कैटेगरी टू दियर मोड ऑफ एक्शन। लैक्सेटिव को उनके मोड ऑफ एक्शन के अनुसार 4 कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट वन स्टिमुलेट। स्टिमुलेट की हिंदी मीनिंग होती है उत्तेजक पदार्थ, और उसकी डिफिनीशन देखेंगे। दे एक्ट बाई लोकल इरिटेशन ऑन द इंटेस्टाइनल ट्रैक एंड इंक्रीज पेरिस्टेटिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल इसमें है रुबाब और सीना। वे इंटेस्टाइनल ट्रैक पर लोकल इरिटेशन, लोकल इरिटेशन कर मतलब जलन करते हैं, और पेरिस्टेल्टिक एक्टिविटी को, पेरिस्टेल्टिक एक्टिविटी की हिंदी मीनिंग होती है क्रमाकुंचन गति, क्रमाकुंचन गति को बढ़ाते हैं। सेकेंड वन है बल्क फॉर्मिंग। दीज ड्रग एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल। दीज इंक्रीज द बल्क ऑफ इंटेस्टाइनल कॉन्टेंट दैट स्टिमुलेट परिस्टेल्सिस। एग्जाम्पल इसके हैं स्पागुल और फाइसिलियम। बल्क में क्या है, वे दवाएं वे ये ड्रग जो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और स्वेल, स्वेल मतलब सूज जाती हैं, इससे इंटेस्टाइनल कंटेंट बढ़ जाते हैं जो परिस्टेल्सिस को उत्तेजित करती हैं, जो परिस्टेल्सिस को उत्तेजित करती हैं। और इसका थर्ड वन है इमोलियंट। इमोलियंट का मतलब होता है चिकना, जस्ट लाइक क्रीम टाइप। तो ये होगा कि दीज ड्रग एक्ट आइदर एज स्टूल शॉर्टनर और एज लुब्रिकेंट टू फैसिलिटेट इवेक्यूलेशन ऑफ कॉम्पैक्ट स्टूल। इसके एग्जाम्पल होंगे लिक्विड पैराफिन। पैराफिन का मतलब होता है ऑयल, तरल ऑयल। लिक्विड का मतलब तरल, तरल ऑयल। तो इसकी मीनिंग देखेंगे, ये ड्रग या तो स्टूल शॉर्टनर के रूप में या लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट के रूप में काम करती हैं, ताकि कॉम्पैक्ट स्टूल को बाहर निकाला जा सके। और फोर्थ वन हम देखेंगे कैथार्टिक। कैथार्टिक इसकी जो डिफिनेशन होगी वो है दीज एजेंट एक्ट इंटेंसिवली बाई विवोलेंट इरिटेशन ऑफ गट। गट का मतलब भी यहाँ आंत होता है। एग्जाम्पल इसके हैं पोडोफाइलम रेजिन और जलाप रेजिन। और ये एजेंट आंत की विवोलेंट इरिटेशन, विवोलेंट इरिटेशन का मतलब होता है हिंसक जलन, हिंसक जलन से तीव्रता से कार्य करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 7, और ड्रग भी यहीं से स्टार्ट है। इसकी फर्स्ट टॉपिक है लैक्सेटिव। लैक्सेटिव इसके अंतर्गत कब्ज नाशक औषधियाँ आती हैं। कभी कभी हमारे स्टमक में पेन या कब्ज होता है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो इसकी डिफिनीशन देखेंगे हम। द ड्रग दैट प्रमोट इवेक्यूलेशन ऑफ फेशियल मैटर बाई लूजनिंग वॉवल आर कॉल्ड लैक्सेटिव। वे ड्रग जो आंत को ढीला करके, लूजिंग वॉवल ढीला करके, मल को या वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में मदद करती हैं, उन्हें लैक्सेटिव आर कॉल्ड लैक्सेटिव लैक्सेटिव कहलाती हैं। द लैक्सेटिव आर क्लासिफाइड इंटू 4 कैटेगरी टू दियर मोड ऑफ एक्शन। लैक्सेटिव को उनके मोड ऑफ एक्शन के अनुसार 4 कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट वन स्टिमुलेट। स्टिमुलेट की हिंदी मीनिंग होती है उत्तेजक पदार्थ, और उसकी डिफिनीशन देखेंगे। दे एक्ट बाई लोकल इरिटेशन ऑन द इंटेस्टाइनल ट्रैक एंड इंक्रीज पेरिस्टेटिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल इसमें है रुबाब और सीना। वे इंटेस्टाइनल ट्रैक पर लोकल इरिटेशन, लोकल इरिटेशन मतलब जलन करते हैं, और पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी को, पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी की हिंदी मीनिंग होती है क्रमाकुंचन गति को बढ़ाते हैं। सेकेंड वन है बल्क फॉर्मिंग। दीज ड्रग एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल। दीज इंक्रीज द बल्क ऑफ इंटेस्टाइनल कॉन्टेंट दैट स्टिमुलेट परिस्टेल्सिस। एग्जाम्पल इसके हैं स्पागुल और फाइसिलियम। बल्क में क्या है, वे दवाएं वे ये ड्रग जो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और स्वेल, स्वेल मतलब सूज जाती हैं, इससे इंटेस्टाइनल कंटेंट बढ़ जाते हैं जो परिस्टेल्सिस को उत्तेजित करती हैं, जो परिस्टेल्सिस को उत्तेजित करती हैं।
और इसका थर्ड वन है इमोलियंट। इमोलियंट का मतलब होता है चिकना, जस्ट लाइक क्रीम टाइप। तो ये होगा कि दीज ड्रग एक्ट आइदर एज स्टूल शॉर्टनर और एज लुब्रिकेंट टू फैसिलिटेट इवेक्यूलेशन ऑफ कॉम्पैक्ट स्टूल। इसके एग्जाम्पल होंगे लिक्विड पैराफिन, पैराफिन का मतलब होता है ऑयल, तरल ऑयल, लिक्विड का मतलब तरल, तरल ऑयल। तो इसकी मीनिंग देखेंगे, ये ड्रग या तो स्टूल शॉर्टनर के रूप में या लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट के रूप में काम करती हैं, ताकि कॉम्पैक्ट स्टूल को बाहर निकाला जा सके। और फोर्थ वन हम देखेंगे कैथार्टिक। कैथार्टिक इसकी जो डिफिनेशन होगी वो है दीज एजेंट एक्ट इंटेंसिवली बाई विवोलेंट इरिटेशन ऑफ गट। गट का मतलब भी यहाँ आंत होता है। एग्जाम्पल इसके हैं पोडोफाइलम रेजिन और जलाप रेजिन। और ये एजेंट आंत की विवोलेंट इरिटेशन, विवोलेंट इरिटेशन का मतलब होता है हिंसक जलन, हिंसक जलन से तीव्रता से कार्य करते हैं।